हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं वीरेश कुमार कनौजिया गारमेंट इंडस्ट्री से, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक लेडीज शर्ट है जो इसकी कटिंग स्टार्ट। तो अब ये लेयर मार्किंग सीट हमारी लगाई जा रही है लेयर मार्किंग के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारा ये लेयर कटिंग के लिए सेट किया जा रहा है, और ये पल्ले हमारे ऑलरेडी लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, लेयर फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, अब हमारा लेयर मार्किंग के लिए तैयार है। तो ये इस पर अब लेयर मार्किंग की जाएगी, और आप देख सकते हैं कि हमारी लेयर मार्किंग स्टार्ट हो गई है। और इसमें सुनील मास्टर जी और प्रताप मास्टर जी बहुत ध्यान से बारीकी से लेयर मार्किंग कर रहे हैं। और मार्किंग के साथ साथ में इसमें एक सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि इसमें धारी बॉटम पर दोनों तरफ जवाबी चाहिए, क्योंकि प्रिंट आड़ा कट रहा है, इसलिए धारी को जवाबी देखते हुए पैटर्न में मार्किंग की जा रही है। और जो पैटर्न में सारे नोच वगैरह होते हैं उनको बारीकी से देखकर और सारे नोचों को लगाएंगे, और बस मार्किंग हमारी कंप्लीट ऑलरेडी होने वाली है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये बैक पैनल है, और बैक पैनल हमारा सिर्फ अभी बैक पार्ट कर रहा है, और इसका अभी फ्रंट नहीं आया हुआ है। तो बैक पार्ट कर रहा हुआ, इसका धारी में जवाबी काटनी है बॉटम की। तो आप देख सकते हैं कि सारी बॉटम की धारी लगी हुई यहाँ पे, और ये जवाबी धारी कट रहा है। तो हमारे मार्किंग कर रहे हैं अभी इसमें। तो मार्जी, आप क्या धारी जवाबी काट रहे हो इसकी? ये बॉटम सीधा कर रहे हैं, तो बॉटम धारी सीधी लगा रहे हैं, बैक ओनली बैक लगा रहे हैं, बैक और बैक सीधा। तो अभी ये इसका बैक पार्ट कट रहा है, सिर्फ बैक पार्ट, और फ्रंट का अभी कपड़ा नहीं है हुआ, तो फ्रंट कपड़ा आने में थोड़ा टाइम है, तो अभी बैक ओनली काट रहे हैं। अरे, वो दूसरा लेयर लग रहा है, इसी का ही कॉम्बो दूसरा कलर है, और उसका दूसरा लेयर लग रहा है, और फिलहाल हमारा ये मिक्स कॉम्बो कट रहा है, इसमें दो कलर कड़े हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसके बाद हमारा यान डाइट कपड़ा आएगा, उसके बाद वो कटिंग होगी। तो मैं अगला यान डाइट जब कटिंग होगी तो मैं आपका ऑलरेडी आगे वाला। तो देख सकते हैं, ये हमारा सिंपल है, ये बैक पार्ट्स है, और ये फ्रंट है यान डाइट का। तो ये यान डाइट कपड़ा अभी नहीं आया हुआ है, तो ऑलरेडी हमारा बैक प्रिंट आ चुके हैं, तो बैक हमारे सारे प्रिंट आ चुके हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो उसकी बैक पार्ट भी अभी हम पहले, तो मार्किंग हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, हमारा फाइनली मार्किंग कंप्लीट हो चुका है बैक पार्ट का। तो मार्जी, अब क्या करेंगे इसको? मार्जी जी काटेंगे इसको। अच्छा, तो मार्जी कह रहे हैं अब हमारा कटिंग के लिए स्टार्ट तैयार है, अब मैं कटिंग काटने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको कटिंग दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से हमारी कटिंग बैक पार्ट। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फर्स्ट ये ब्लॉक कट रहा है, जो फ्यूजिंग पार्ट्स हैं, जो स्मॉल सारे पार्ट्स हैं उनके लिए सारा पहले ब्लॉक ये निकाला गया हुआ है। और इसमें ब्लॉक में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्लीप टैब है, स्लीप कफ है, कॉलर बैंड है, कॉलर है, और स्लीप प्लाकेट है। ये सारे पार्ट्स इसमें फ्यूजिंग के हैं। और आगे अभी कटिंग जो हो रही है हमारे बैक पार्ट्स की हो रही है, क्योंकि अभी हमारा बैक पार्ट्स ही ऑलरेडी कट रहा है, बैक पार्ट्स है, और शोल्डर तीरा है वो कट रहा है अभी। तो मैं साथ साथ में आपको जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लेयर अभी लगाई गई थी इसमें मिक्स कलर लगाया गया था, यानी दो कॉम्बो हैं इसके साथ साथ में, दो साथ साथ में काटेंगे थे, क्योंकि हमारी इसकी कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी हैं, तो एक साथ में ही इसको दोनों साथ में लेयर लगा लिया गया था। तो दोनों मिलाकर कटिंग हमारी हो रही है। तो अभी फाइनली हमारे दो कलर कट चुके हैं, और ये तीसरा कलर हमारा कटने के लिए तैयार है, अब इसकी कटिंग हमारी स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो कलर मिक्स हैं हमारे, दोनों प्रिंट इसमें मिक्स हैं, दोनों साथ में ही कट रहे हैं। अदरवाइज हमारी कोई मैचिंग प्रिंट स्टाइल होती है जिसमें धारी जवाबी चाहिए होती है, तो साथ साथ में हमारे मास्टर जी कटिंग काटते समय दिखाते हैं कि भाई यार देख लो कि धारी इसमें जवाबी हैं या नहीं है। साथ साथ में ये बल्कि इसमें नहीं आती है, क्योंकि हमारा लेयर धारी मिलाकर ही लगाया जाता है, तो इसलिए इसमें दिक्कतें बहुत कम आती हैं। तो फाइनली हमारी कटिंग कंप्लीट होने वाली है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टिकर एरिया में, जहाँ हमारे लेयर स्टिकरिंग की जा रही है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।